हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी चल रही थी और उसमें हम मैथ पढ़ रहे थे और मैथ के अंदर निर्देशांक ज्यामिति का जो सेशन चल रहा था हमारा, उसमें 7.2 के एक पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया। बच्चों, अब उसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन तक जो भी लगवाए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। आगे जो है हम स्टार्ट करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन के साथ और देखेंगे आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और आज ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए एक बार जुड़ जाइए सभी लोग और देखते हैं यहाँ पे आज का प्रश्न। बच्चों या ध्यान दीजिएगा, 5 क्वेश्चन मैंने आपको कल के सेशन में बता दिया था, आज बताना है 6वें से बच्चों, ठीक है ना। 6वां प्रश्न कह रहा है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे फंस जाते हैं बेचारे बीच की दूरी निकालते निकालते, ठीक है ना। तो करना कैसे है इसको आप जरा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। बिंदु दिया है आपका 1, 2, 4, y, x, 6 और आपका 3, 5, कह रहा समांतर चतुर्भुज के शीर्ष में बच्चों, ठीक है ना। तो आइए जरा हम लोग समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ए बी सी डी, बात समझ में आई। तो क्रम से ही रखना है, तो क्रम से रखेंगे तो क्या होगा, 1 और 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और y हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x, 6 हो जाएगा और बच्चों ये हो जाएगा 3 और 5। अगर भुजाओं के बीच संबंध लेकर के अगर आप करने लगेंगे ना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, इसलिए आप भुजाओं का संबंध मत लीजिएगा बच्चों इसमें, ठीक है ना। ये तो था आपका क्वेश्चन जो मैंने आपको लिख दिया, लेकिन आपको करना कैसे है उसको ज़रा बताते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा करना कुछ नहीं है, आप जो है ना समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बनाइएगा, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बनाइएगा, विकर्ण मान लीजिए यहाँ पर ओ बिंदु पर काटता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज के, कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण आपस में काटते हैं बच्चों, तो काटने के बाद वो दोनों आधा आधा करते हैं, बात समझ में आई। मतलब क्या हुआ, AC का मध्य बिंदु O है और BD का मध्य बिंदु क्या होगा, O है। मतलब इन दोनों ही विकर्णों का जो मध्य बिंदु है वो एक ही है, मतलब एक ही बिंदु है तो निर्देशांक भी एक ही निकलेगा, इस बात पर जरा आप गौर करिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे मध्य बिंदु निकालेंगे, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे माना मध्य बिंदु क्या है, यहाँ लिखिएगा माना मध्य बिंदु O बराबर क्या है, xy है, तो इस xy का मान निकालना पड़ेगा कि नहीं बच्चों। तो एक बात बताइएगा, xy अगर मध्य बिंदु है तो यहाँ पर अगर x से मान निकालेंगे ना तो आपका नहीं निकलेगा यहाँ से, तो x का मान निकालने के लिए आप यहाँ से लीजिएगा ये वाला, तो यहाँ पे ये क्या होगा x1 y1, यहाँ पे x2 y2। तो x का मान निकालने के लिए क्या होता है, x = x1 + x2, ठीक है ना। यहाँ से निकालेंगे तो आपको संख्याओं का मान मिल जाएगा और यहाँ पे 2 होता है, तो क्या होगा बेटा 3 + 4/2 = 7/2, ठीक है ना। y का मान निकालेंगे तो y का मान अगर यहाँ से निकालने जाएंगे तो यहाँ तो y आ जाएगा, नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप यहाँ से निकालिएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे, यहाँ जो मैंने xy माना है ना वो ये xy नहीं है, आप इसको कैपिटल ले लीजिएगा, नहीं तो आप समझेंगे कि वही वाला है, ठीक है ना। इसको कैपिटल ले लीजिए आप, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे y1 + y2/2 इस वाले विकर्ण से बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6, तो 2 + 6/2 = 8/2 कट जाएगा तो 4 हो जाएगा। बच्चा एक बात बताओ, यहाँ जो x आएगा, चाहे आप इसका x लेके करिए चाहे आप इसका x लेके करिए, एक ही आएगा, क्योंकि बिंदु एक ही है तो निर्देशांक भी बेटा एक ही आएगा, इसलिए आप किन्हीं को भी लेके कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जरा यहाँ पे, अब जो है आपका मध्य बिंदु निकल चुका है बेटा, कितना x पे वैल्यू कितनी है, 7/2, y पे 4 है, ये O मध्य बिंदु है। अब आपको निकालना है x और y की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसलिए आप कहेंगे कि विकर्ण, ठीक है बच्चों, विकर्ण AC में, विकर्ण AC में बेटा क्या होगा, विकर्ण AC में मध्य बिंदु के सूत्र से। बच्चा एक बात बताओ, मध्य बिंदु के सूत्र से क्या होगा,
मध्य बिंदु बराबर 7/2, मध्य बिंदु बराबर x1 x2/2, 1+x/2। यहाँ तक बात समझ में आई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 = x + x, 1 इधर जाएगा तो घट जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी x = 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब देखिएगा, वही मध्य बिंदु है बच्चों, ठीक है ना, लेकिन y लेने पर, ठीक है बच्चों, तो y बराबर क्या होता है, y1 + y2 होता है ना बच्चों, 2/2। तो ये y की जगह पे क्या होगा, y की जगह पे क्या, इसको कैपिटल y लीजिएगा, ठीक है ना। तो कैपिटल y की जगह पे 4 है, और y1 की जगह 5 है, y2 की जगह पे बेटा y है, और बटे क्या है, 2 है बेटा, इधर जाएगा तो 2 * 4 = 8 हो जाएगा, ये 5 है प्लस y, इधर जाएगा तो घट के 3 हो जाएगा, और बराबर ये कितना होगा बेटा, y हो जाएगा, मतलब y बराबर 3 है, और x बराबर यहाँ पे आपका 6 दिया गया है। तो इतना आराम से ये क्वेश्चन हो गया है। अब बहुत लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा, सर मध्य बिंदु के सूत्र से तो ये होता है कि x = x1 x2/2, y1 y2/2। चूँकि बेटा यहाँ पे इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु है और इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु है, और दोनों का मध्य बिंदु एक ही है, तो हम दोनों से ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगा कि अगर x के लिए मैं इसका मान ले लूँगा x1 x2, तो यहाँ पे संख्या के रूप में यहाँ पे इसका मध्य बिंदु निकल जाएगा, और इसके y की जगह पे अगर मैं यहाँ पे y ले लूँगा तो ये y की वैल्यू इसकी निकल जाएगी, मध्य बिंदु का y, जिसको मैंने क्या माना है, X और कैपिटल y माना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब जो है आपका जो x और y पूछ रहा था वो वैल्यू आ गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फटाफट आगे का क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ये बहुत ही बच्चों को कन्फ्यूज कर देता है बच्चों, ठीक है ना, ये लगते हैं बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस से बच्चे लगाने, तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो आप जो है आसानी से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये चैप्टर आज जो है हम लोग समाप्त कर लेंगे, चैप्टर नहीं मतलब एक्सरसाइज, ठीक है ना, चैप्टर जो है अगले दिन समाप्त हो जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसमें जो है आपका आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां नंबर, क्या ध्यान देंगे यहाँ पर, 7वां कह रहा है बच्चों, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है, तथा B के निर्देशांक कितना दिया गया है। बच्चों यहाँ पे 7वां प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान, यहाँ पे एक वृत्त है बच्चों, ठीक है ना, वृत्त का ये केंद्र है, और केंद्र से होता हुआ एक जीवा गई जिसको हम कहते हैं व्यास, ठीक है बच्चों। ये बेटा A है और ये B है, कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु मतलब वो केंद्र की बात कर रहा है, केंद्र कितना दिया गया बच्चों यहाँ पे, 2 और -3, और कह रहा है बी का निर्देशांक भी आपको दे रखा है बेटा यहाँ पे 1 और 4। तो कह रहा है बेटा ना वाई का निर्देशांक ज्ञात, सॉरी ए का निर्देशांक ज्ञात करिए आप, मतलब आपको इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, मान लिया इसका निर्देशांक एक्स और वाई है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको मध्य बिंदु का सूत्र जो है पता होना चाहिए, ठीक है ना। हमें जो है मान लिया कि इसका जो है यहाँ पे एक ए बराबर, देखिए यहाँ पे ए बराबर माना ए का निर्देशांक, निर्देशांक बराबर एक्स वाई है, और आपको पता है ये मध्य बिंदु है, ठीक है ना, तथा तथा ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या है बेटा आपका, यहाँ पे 2 - 3 है, केंद्र है ना बच्चों, केंद्र से जितनी दूरी इधर होती है उतनी दूरी इधर होती है ना, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मध्य बिंदु है कि नहीं है, इन दोनों बिंदुओं का ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के सूत्र से आप लिखिएगा, मध्य बिंदु के सूत्र से, के सूत्र से, अगर मध्य बिंदु के सूत्र से अगर आप जाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पे x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। अगर बेटा मैं इसको मान लूँ x1 y1 और इसको मान लूँ x2 y2 और इसको xy मान लूँ, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ज़रा, 2 = x1 कितना है आपका, x है, प्लस x2 कितना है, 1 है, 2/2 होता है ये फार्मूले से, इधर जाएगा तो क्या होगा, 2 × 4 x + 1, इधर आएगा बेटा तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, x = 3, x की वैल्यू निकल गई। अब देखिए ज़रा y की निकालने के लिए, तो y की जगह पे क्या है, -3 है, y1 की जगह पे क्या है, y है, y2 की जगह पे क्या है बेटा, 4 है, 2।
अब बताइए ये जाएगा इधर तो क्या होगा, गुणा होगा तो माइनस छः वाई प्लस चार, प्लस चार इधर जाके माइनस चार होगा, और माइनस चार और माइनस छः कितना होता है माइनस दस वाई, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी हो गई माइनस दस और x की वैल्यू इतनी, तो बिंदु क्या निकला, तो जो बिंदु है a का एक्स वाई था आपका, और यही एक्स वाई क्या है, x जगह पे कितना निकला है आपका तीन, y की जगह पे माइनस दस, यानी a का जो बिंदु है वो तीन माइनस दस है बच्चों, ठीक है ना। तो इसका भी जो है आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर जरूर बनाइएगा अपने एग्ज़ाम में, फिगर जरूर बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर फिगर आपने बना दिया है बच्चों तो वहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एग्जामिनर के दिमाग में भी ये चीज़ें चल जाती है कि बच्चे को इसकी नॉलेज जो है अच्छी तरह से है, ठीक है ना। फिर वो आपके बहुत कम ध्यान देगा आपके इस पे, वो फिगर से ही समझ जाएगा कि आपने सही किया है बच्चों, ठीक है ना। चलिए एक बार स्क्रीन शॉट लीजिएगा इसका, चलते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे जितने भी आपके पूरा का पूरा सेशन ख़त्म कराऊँगा, ठीक है ना, बहुत जल्दी ही विज्ञान हम लोग भी पढ़ेंगे इसमें, दस कक्षा दसवीं के विज्ञान, फिर से कक्षा दसवीं का जो है हम इसमें इतिहास भूगोल जो भी आपका सामाजिक विज्ञान है उसे भी ख़त्म करेंगे बच्चों, ठीक है ना। लेकिन बस आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आठवां क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर कह रहा है ए बी क्रमशः, ए बी का क्रमशः दो माइनस दो माइनस दो और दो माइनस चार हो, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी जो है ना, अब देखिए जरा बच्चों यहाँ पे कह रहा है ना बच्चों, यहाँ पे एक रेखा है, यहाँ पे बेटा एक रेखा है, ठीक है ना, A और B, और A का जो निर्देशांक है बेटा वो माइनस दो माइनस दो है, B का जो निर्देशांक है आपका वो दो माइनस चार है। अब कह रहा है ना कि ए बी रेखाखंड पर पी स्थित है, एक बिंदु जो है पी स्थित है, ठीक है बच्चों, एक पी बिंदु स्थित है। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और इसी पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, इसी पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, नहीं पता हमें, हमने लिख लिया एक्स वाई, लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया है बेटा, कंडीशन दिया है ना कि ए पी बराबर तीन बटा में सात ए बी, बात समझे, ए पी बराबर तीन बटा में सात ए बी, और आपको ज्ञात करना है क्या बिंदु, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा यहाँ पे लॉजिक यहीं से आपको लगानी है, कैसे लगानी है बच्चों, देखिए जरा, अगर मैं ए बी को नीचे लेकर आऊँगा तो ए पी बटा में, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ए बी, और बराबर कितना हो जाएगा तीन बटे में सात। अब हमें ये पता करना है ये बिंदु पी जो है वो ए बी रेखा को किस अनुपात में काट रही है, ये अनुपात नहीं, बहुत बच्चे यही अनुपात लेके कर देंगे, क्वेश्चन गलत आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जरा ए बी कितना है सात है, ए पी कितना है तीन है, मतलब ए बी जो था पूरा ये सात में, इस पूरे सात में बेटा ए पी कितना है, पूरे सात में ए पी तीन है, पूरे सात में ए पी कितना है तीन है, तो ये खंड तो पता ही नहीं चला, पता चला क्या हमको, तो ये वाला खंड और ये दिया है ना, पूरी रेखा और ये वाला खंड दिया है। अगर पूरी सात में तीन अगर ए पी है तो बेटा चार ये होगा ना, चार जो है बी पी होगा कि नहीं होगा, चार बी पी होगा, क्योंकि कुल सात था, सात में तीन जो है ए पी है, तो चार क्या होगा बी पी होगा, बात समाप्त हो गई। अब हमको अनुपात मिल गया, ये एम वन हो गया, ये एम टू हो गया, ठीक है ना। तो अब जो है आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि एम वन इज इक्वल टू तीन और एम टू बराबर हो गया बेटा आपका चार। अब ज्ञात करेंगे बिंदु, कौन सा सूत्र है बेटा, बताया हूँ बहुत बार, x बराबर एम वन एक्स टू प्लस एम टू, एक्स वन बटा में एम वन प्लस एम टू, बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। x बराबर यही x है p का निर्देशांक ना, तो क्या होगा एम वन के जगह पे तीन, एक्स टू के जगह पे बेटा क्या है आपका, एक्स टू के जगह पे है दो, प्लस एम टू के जगह पे हो जाएगा चार, और एक्स वन के जगह पे माइनस दो, और बटे में कितना है यहाँ पे तीन प्लस चार, एम वन और एम टू की वैल्यू। अब जरा बताना है आपको कि यहाँ पे तीन दुना के छः हो गया, माइनस यहाँ पे आठ हो जाएगा, ठीक है ना, बटे में यहाँ पे सात हो जाएगा, और घटेगा तो माइनस दो बटा में सात, एक्स की वैल्यू आ गई, इस एक्स की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अब वाई निकालना है अपने को, तो वाई बराबर एम वन एम वन वाई टू, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन, बटे में एम वन प्लस एम टू। अब देखिए ज़रा
वाई बराबर क्या होगा, एम वन की वैल्यू बेटा कितनी है जरा ध्यान दीजिएगा, तीन है, तीन। वाई टू की वैल्यू कितनी है, माइनस चार है, प्लस। फिर देखेंगे एम टू की वैल्यू चार है और वाई वन की वैल्यू माइनस दो है और बटे में तीन प्लस चार। अब बच्चा बताओ यहाँ पे चार तिहाई बारह और माइनस आठ बटे में कितना हो जाएगा, सात। अब माइनस बारह और माइनस आठ माइनस बीस होता है, ठीक है ना, और बटे में सात हो जाएगा, यानी वाई की वैल्यू कितनी निकल गई, माइनस बीस और सात, ठीक है, सॉरी माइनस बीस बटा में सात। इसलिए पी का निर्देशांक, जो पी का निर्देशांक है बेटा वो कितना निकल गया, जो एक्स वाई था आपका, एक्स जगह पे माइनस दो बटे सात हो गया और यहाँ पे माइनस बीस बटे सात हो गया और आ गया आपका आंसर। बात समझ में आई, इतना आसान क्वेश्चन था और ये इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपके बनते हैं, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ इसको आप निगलेक्ट मत करिएगा, याद करके हमेशा इस क्वेश्चन को लगा करके जाइएगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना, इसे डिलीट करते हैं बच्चों। और जो भी मैंने आपको प्रश्न लगवाए हैं बच्चों, उन सबका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना, या फिर वीडियो पढ़ा ही रहेगा आपके प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जा करके वॉच कर सकते हैं। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बच्चा, आधा घंटा का बनाता हूँ, आधा घंटा 40 मिनट का। आप जा करके रोज़ाना भी अगर एक एक वीडियो देखेंगे ना, एग्ज़ाम तक आप पूरे सीरीज़ को कई बार देख जाएंगे। और इतना तो गारंटी कह सकता हूँ कि ये सीरीज लेने के बाद मैथ्स में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे अब जो है ना, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु ए माइनस दो दो और बी दो आठ को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने जो है हल किया था पीछे, ठीक है ना। ए बेटा और यहाँ पे क्या है बी, ए का निर्देशांक क्या है आपका माइनस दो और दो है, और बी का जो निर्देशांक आपका होने वाला है दो आठ। अब वो कह रहा है ना इसको चार समान भागों में बांटा जा रहा है, ठीक है ना बच्चों। अगर चार समान भागों में बांटा जाएगा तो एक रेखा को चार भागों में बांटने के लिए तीन जगह से तोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चार समान भागों में बांटने के लिए कहाँ बच्चों, तीन जगहों पे, एक दो तीन, तभी तो चार समान भाग में होंगे, तभी तो बेटा क्या होंगे, ये चार समान भाग में होंगे, ठीक ना, ऐसे कर लीजिएगा। अब कोई दिक्कत है क्या, मतलब तीन जगहों पे हमको तोड़ना पड़ेगा। अब बात समझ में आई, तीन जगहों पे तोड़ेंगे तो बराबर बराबर भाग में आएंगे, मतलब जो इनका अनुपात आएगा एक संबंधे एक संबंधे एक संबंधे एक का, चार बराबर भागों में आ गए। मतलब अगर मैं इसका नाम दे दूँ P, इसका नाम दे दूँ Q, इसका नाम दे दूँ यहाँ पे R, तो क्या होगा, यहाँ पे AP जो है वो यहाँ से एक होगा, ठीक है बच्चों, और यहाँ से ये एक होगा, यहाँ से बेटा ये एक होगा, है ना, क्या ध्यान दीजिएगा। मतलब यहाँ पे जो अनुपात है वो एक एक के आएंगे, देखिए जरा यहाँ पे एक एक का अनुपात आएगा बच्चों यहाँ पे। अब जरा बात बताइएगा, ये एक है ये एक है ये एक है ये एक है, मतलब अनुपात समान है इनके, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझना, हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि इस रेखा को विभाजित करने वाले ये तीन बिंदु आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो हमें नहीं पता है, हमने मान लिया ये एक्स वाई है ना बच्चों, ये एक्स वाई है और यहाँ पे ये एक्स वन वाई वन है और ये है आपका एक्स टू वाई टू है। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जरा चलते हैं, जिस बिंदु को निकालेंगे केवल उसी को अपने ध्यान में रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे P बिंदु का निर्देशांक है ना बच्चों, P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पे बेटा X है और ये Y है, यहाँ लिख लीजिएगा थोड़ा जगह बच जाएगा, X और Y है बच्चों, ठीक है ना। अगर X Y है बाबू, यहाँ पे X Y है तो एक बात बताइएगा, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग मानेंगे X1 और ये Y1, X1 Y1 मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे X2 Y2 मान लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब बात चल रही होगी इस बिंदु की तो बाकी के बिंदु को भूल जाएंगे बच्चों, बाकी के बिंदु कब विभाजित कर रहे हैं कहाँ विभाजित कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, बस हम बात करेंगे इसकी। और जब बिंदु P की बात होगी तो बताइए बिंदु P कितनी भागों में विभाजित करेगा, दो भाग में, एक भाग AP होगा और एक भाग BP होगा, एक भाग BP होगा। तो AP का कितना है, एक भाग है और BP का एक दो तीन भाग है, तीन भाग है ना बच्चों। मतलब यहाँ पे M1 एक हो गया और यहाँ पे M2 कितना हो गया,
तीन हो गया बच्चों, ठीक है ना। याद रखिएगा चूंकि क्या होगा एम वन बराबर एक व एम टू बराबर कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, क्योंकि एक दो तीन। अब जो है आपको करना है फॉर्मूले से, मतलब x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में क्या होगा m1 प्लस m2। बेटा एक बात बताओ, x बराबर क्या होगा m1 की जगह पे एक, x2 की जगह पे क्या है दो है, प्लस m2 की जगह पे बेटा यहाँ पे तीन है, x1 की जगह पे माइनस दो है, कोई दिक्कत नहीं है, बटा में एक प्लस तीन हो जाएगा। अब ज़रा एक बात बताइए कितना आया, दो माइनस छः बटा में चार, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस चार बटे चार कट करके माइनस एक आ जाएगा, मतलब इसकी एक्स की वैल्यू निकल गई, मतलब एक्स बराबर आपका माइनस एक हो गया, समझे बात को। अब आते हैं वाई के लिए, तो वाई बराबर क्या होगा वही एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटा में एम वन प्लस एम टू। बार बार लिखने का मतलब यही है कि आपको सूत्र याद हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे M1 की वैल्यू एक है, Y2 की वैल्यू वहाँ पे आठ है, और प्लस M2 की वैल्यू कितनी है तीन है, Y1 की वैल्यू दो है, बटे में एक प्लस तीन। अब बताइए ज़रा आठ एकम आठ और ये छः, आठ छः चौदह, चौदह बटे में बेटा यहाँ पे चार हो जाएगा, कटाएंगे तो सात बटा में दो आएगा, मतलब Y की वैल्यू आ गई सात बटे में दो। ये Y की वैल्यू, मतलब जो P का निर्देशांक है आपका, P का जो निर्देशांक था वो कितना निकला, P का निर्देशांक जो है वो निकल गया है आपका माइनस एक और सात बटे दो। बात समझ में आई, P का निकल चुका है। अब बात करेंगे Q का बच्चों, ठीक है ना। अब जब Q की बात होगी ना तो Q के लिए क्या होगा, अब एक बात बताना, Q एकदम बीचों बीच है, ठीक है ना। इस रेखा के बीचों बीच क्या स्थित है बेटा, Q स्थित है, ज़रा देखिएगा यहाँ से, क्योंकि दो इधर से भी है और दो इधर से। जब Q की बात करेंगे तो ये दो भागों में बांट रहा है, दो भाग इधर बांट रहा है, दो भाग इधर, क्योंकि एक दो दो भाग और इधर एक दो दो भाग, पूरा बीचों बीच है कि नहीं बच्चों। तो इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका मध्य बिंदु से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो इसके लिए क्या x1 y1 माना है ना बच्चों, तो x1 बराबर क्या है यहाँ पर लिख लीजिएगा, x1 y1 है ना, x1 बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 बटा में दो, क्योंकि ये बीचों बीच है बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है x1 के जगह पे माइनस दो, x2 के जगह पे दो बटा में दो बराबर जीरो, क्योंकि ऊपर जीरो आ जाएगा ना, जीरो हो जाएगा टोटल। अब यहाँ पे देखेंगे y1 बराबर कितना होगा, यहाँ देखिएगा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 है ना, y2 बटा में दो, तो y1 बेटा कितना है आपका, तो y1 है कि कहाँ गया, ये है दो ना, दो प्लस आठ बटा में दो, मतलब दस हो जाएगा, और कटा देंगे तो कितना आ जाएगा y1, पाँच बचेगा, मतलब क्या हो गया यहाँ पे Q का बिंदु जो है बच्चों वो आपका हो गया ये जीरो और पाँच, Q का बिंदु निकल गया। अब किसका निकालेंगे, अब बेटा निकालने जा रहे हैं हम लोग R का, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे R का निर्देशांक, निर्देशांक बेटा कितना है x2 y2 है, ठीक है ना। अब R का जब निकालेंगे तो बाकी सारे बिंदुओं को भूल जाएंगे आप, तो R जो है कितने भाग में बांट रहा होगा, दो भाग में, तो यहाँ पे एक दो तीन, यानी कि m1 क्या हो गया तीन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका m2 एक हो गया। तो इसके लिए m1 क्या होगा बेटा, यहाँ पे याद रखिएगा, इसके लिए जो m1 होगा m1 बराबर तीन और m2 बराबर यहाँ पे एक हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा आपका x2 बराबर, यहाँ पे सूत्र नहीं लिखूँगा मैं, ठीक है ना, m1 और x2, m1 x2 प्लस m2 x1, यहाँ पे x1 है माइनस दो, बटा में कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे तीन प्लस एक। अब जरा दिखाया जाएगा यहाँ पे छः माइनस दो बटा में चार, ठीक है ना, कितना आएगा, वहाँ भी घटाने के बाद चार आएगा, चार से चार कट के x2 बराबर बेटा एक आ जाएगा, बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे y2 निकालेंगे तो m1 तीन, m1 और ये y2 आठ हो जाएगा, प्लस m2 इंटू y1 दो बटा में तीन प्लस एक बराबर आठ तरीके चौबीस, चौबीस दो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे छब्बीस बटा में चार, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो दो से कटेगा ना, तेरह दुना के छब्बीस और दो दुना के चार, मतलब यहाँ पे r का निर्देशांक क्या आ गया बच्चों, r का जो निर्देशांक है वो आ गया एक, और y का जो है आपका तेरह बटा में दो, ठीक है बच्चों।
तो हमने जो है तीनों का निर्देशांक निकाल दिया पी क्यू आर का, और यही था आपका आंसर बच्चों, ठीक है ना। इन्हीं का जो है आपसे निर्देशांक पूछ रहा था, तो एक बार फटाफट जो है ना जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलेंगे आगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मैंने तीनों का ही निर्देशांक निकाल दिया है, यहाँ पे पी बिंदु का, ठीक है बच्चों, जो निर्देशांक यहाँ निकल के आया क्यू के लिए निर्देशांक है, ये आर के लिए है बच्चों, ठीक है ना। चलिए लास्ट प्रश्न बचा है इसमें, जल्दी से करके जो है हम लोग इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे, और आगे जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके अगला प्रश्नावली बच्चों, ठीक है ना। देखिए 10 क्वेश्चन थे, अगर चाहता तो मैं एक ही वीडियो में बना सकता था, लेकिन वहाँ पे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता, और लंबा होने के कारण जो है थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। और मैं नहीं चाहता हूँ कि पढ़ाई आपके लिए बोरिंग हो जाए। चलिए यहाँ पे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन बेटा कह रहा, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सम चतुर्भुज जिसकी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा सम चतुर्भुज में, ठीक है ना। देखिए ये बन गया आपका सम चतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर व समांतर होती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए और इसी क्रम में इसका शीर्ष दिया गया है कितना, 3-0, और ये दिया है 4-5, इसका दिया बेटा आपका -1 और 4, और इसका दे दिया गया है आपको -2 और -1। बात समझ में आई? तो एक बात बताइए ज़रा, यहाँ पे हम विकर्ण बना लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना बच्चों। चलिए मैंने यहाँ पे एक विकर्ण बना लिया, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, याद रखिएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, क्या होगा इसका मैटर, ठीक है बच्चों। एक बात हमेशा याद रखिएगा सम चतुर्भुज के बारे में, चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, पर इनके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, और लंबवत काटने के साथ बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो विकर्णों की लंबाई है, यानी कि जब क्षेत्रफल की बात करेंगे सम चतुर्भुज का, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बेटा अगर बात करेंगे ना, तो जो विकर्ण D1 है और विकर्ण जो D2 है, क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 × D2 होता है मॉड में, याद रखिएगा ये D1 × D2। D1 का मतलब एक विकर्ण, D2 का मतलब दूसरा विकर्ण, इन दोनों के गुणनफलों का आधा जो होता है वो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले D1 निकालना पड़ेगा, तो इसलिए D1 बोले तो क्या है, AC है, और वही क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकलेगा। अगर बेटा मान लें ये क्या है, x2 y2 है, या x1 y1, और इसको x2 y2 मान लें, तो क्या होगा, x2 − x1 का स्क्वायर + y2 − y1 का स्क्वायर। तो r कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा -4, और -4 का वर्ग 16 होता है, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। बात समझ में आई, 16 × 32 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 करणी में 2, ये 32 होगा ना, और 32 का वर्गमूल क्या होता है, 4 करणी में 2, 4 फिर अंदर जाके 16 हो जाएगा, 16 × 32 हो जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करेंगे D2, तो D2 मतलब क्या हो जाएगा, DB मतलब दूसरे विकर्ण की बात हो रही है, DB। अब ये कितना होगा बच्चों, यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, अगर इसको हम मान लें X1, इसको Y1 है ना, और इसको मान लें X2 और ये Y2, तो कितना हो जाएगा, X2 − X1 तो +2 हो जाएगा स्क्वायर, +Y2 − Y1 तो -1 है, तो इसलिए +1 हो जाएगा स्क्वायर। बेटा वो कितना जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 +6 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 36, 36 × 72 आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा, 36 × 72 यानी 6 करणी में 2। अगर आप अंदर कर लेंगे तो क्या होगा, 36 हो जाएगा, 36 × 72 करणी में आ जाएगा, तो 72 का जो वर्गमूल है इतना आ जाएगा। तो आपको D1 D2 पता चल गया है, इसलिए क्षेत्रफल जब आप निकालने जाएंगे, 1/2 × D1 की वैल्यू 4 करणी में 2 × 6 करणी में 2, करणी में 2 मिलकर के 2 खत्म कर देंगे, क्योंकि करणी में 2 हो जाएगा, और ये 2 खत्म हो जाएगा, और 4 × 6 = 24, यानी 24 वर्ग इकाई जो है ना, 24 वर्ग इकाई जो है सम चतुर्भुज का आपके क्षेत्रफल आने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।